गैशियस एक्सचेंज के टॉपिक को हम पढ़े थे. आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन जो है वो डिफरेंट एनिमल्स में किस तरह से होती है. स्मॉलर और सिंपलर एनिमल्स से हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम कम्प्लेक्स एनिमल्स की तरफ जाते जाएंगे. सबसे पहले हम देख लेते हैं रेस्पिरेशन इन हाइड्रा. रेस्पिरेशन इन हाइड्रा. हाइड्रा का नाम आपने पढ़ा होगा पहले भी. हमने जब इनवर्टिब्रेट्स की बात की थी तो वहाँ हमने हाइड्रा को देखा था, और हाइड्रा का ताल्लुक जो है वो फाइलम सीलेंट्रेटा से है. जब हम हाइड्रा को देखते हैं, हम इसके जनरल बॉडी स्ट्रक्चर को देखते हैं, हम जानते हैं कि हाइड्रा जो है वो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है. डिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब है? डिप्लोब्लास्टिक का ये मतलब है कि इसके बॉडी के अंदर हम इसको दो लेयर्स में तकसीम कर देते हैं, ठीक है. एक इसकी आउटर लेयर होती है जिसको हम कहते हैं एक्टोडर्म, और एक इसकी इनर लेयर होती है जिसको हम कहते हैं एंडोडर्म. अगर हम इसको इसकी तस्वीर देखें तो ये हमारे पास हाइड्रा का स्ट्रक्चर है. इसके साथ यहाँ पे साइड पे आपको टेंटिकल्स नज़र आ रहे हैं जिसके थ्रू ये मूव करता है, ये अपनी फूड को कैच करता है. और इसके अलावा आप यहाँ पे एक ओपनिंग देख रहे हैं जहाँ से वाटर इसके अंदर और बाहर जा सकता है, ठीक है. अब ये क्योंकि एक्वेटिक एनिमल है, तो इसके अंदर होता क्या है कि बाहर की तरफ जितना भी बाहर का एरिया, यहाँ पे क्या होगा, पानी प्रेजेंट होगा, और उस पानी के अंदर डिजॉल्व फॉर्म में गैसेस प्रेजेंट होंगी, ठीक है. तो एक जो हमने दो लेयर्स की बात की, हमने कहा एक इसके अंदर है एक्टोडर्म और एक है एंडोडर्म. तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म कहाँ पे होगी? एक्टोडर्म की जब हम बात करते हैं, एक्टोडर्म जो है वो इसकी आउटर लेयर है, इसके बाहर की साइड पर यहाँ पर जो प्रेजेंट होगी उसे हम कहेंगे ये है एक्टोडर्म, ठीक है. यहाँ पर और यहाँ पर जो बाहर इसके लेयर है इसे हम कहेंगे एक्टोडर्म. और ये जो एक्टोडर्म है इसके अंदर से बाय डिफ्यूजन एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो इसके अंदर होती है, यानी कि डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, और इस एक्टोडर्म के अक्रॉस जो है वो गैसेस अंदर या बाहर जाती है. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर जा रही है और ऑक्सीजन जो है वो यहीं से एंटर हो रही है, ठीक है. तो ये एक थिन लेयर है जो इस ऑर्गेनिज्म के बाहर पाई जाती है. एंडोडर्म को जब हम देखते हैं तो एंडोडर्म जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाली जो लेयर है इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पे ये वाली जो लेयर है इसे हम कहते हैं ये है एंडोडर्म, ठीक है. ये एंडोडर्म और इसके अक्रॉस भी इसी तरह से ऑक्सीजन जो है हम कहते हैं कि यहाँ से ऑक्सीजन अंदर जा रही है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है. ये यहाँ पे अंदर और यहाँ से बाहर क्यों जा रही है? बिकॉज हम जानते हैं कि जो वाटर है वो इसके यहाँ पर ये वाली जो ओपनिंग है, इस ऑरेंज कलर से आपको यहाँ पे जो नज़र आ रही है ये वाली एक इसकी ओपनिंग है, ठीक है. इसको आप इसका माउथ भी कह सकते हैं. यहाँ से इसके अंदर डिफरेंट गैसेस एंटर होती हैं. गैसेस बेसिकली क्योंकि डिजॉल्व फॉर्म में है तो वाटर इसके अंदर एंटर होगा, या इसकी जो फूड है हाइड्रा की वो इसके अंदर एंटर होगी, ठीक है. अब वाटर के अंदर डिजॉल्व फॉर्म में गैसेज हैं तो ये जो एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया यहाँ पे ये वाटर है और इसके अंदर गैसेस हैं, ठीक है. तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसेस के अंदर प्रेजेंट होगी. ऑक्सीजन गैस जो है वो डिफ्यूज़ हो जाएगी हाइड्रा के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हाइड्रा के अंदर से बाहर आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. और फिर क्या होगा कि ये जो वाटर है ये इसके अंदर भी जा रहा है और ये यहाँ से बाहर भी जा रहा है. तो इससे होगा क्या कि हम देख सकते हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये यहाँ से अल्टीमेटली बाहर की तरफ मूव कर जाएगी, ठीक है. तो ये हमने देख लिया कि सिंपल सा डिफ्यूजन का एक प्रोसेस है जिसके अंदर, जिसकी वजह से जो पूरा ऑर्गेनिज्म है वो रिस्पायर कर सकता है. बाहर की जो लेयर है एक्टोडर्म उसके अंदर भी यही प्रोसेस हो रहा है, और जो अंदर की लेयर है एंडोडर्म उसके अंदर भी यही प्रोसेस हो रहा है. यानी सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू हाइड्रा के अंदर रेस्पायरेशन का प्रोसेस चलता है. इसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म की तरफ, जो कि है हमारे पास रेस्पायरेशन हम देखेंगे अर्थवर्म के अंदर. Respiration in earthworm. Earthworm को आपने इन्वर्टिब्रेट्स का जब हम टॉपिक्स पढ़े थे तो उसके अंदर हमने अर्थवॉर्म को भी देखा था. और अर्थवॉर्म जो है हम कहते हैं इसकी सेगमेंटेड बॉडी होती है और ये वॉर्म्स के अंदर आ जाता है. अर्थवॉर्म की जो सिंपल इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रा, ठीक है. इसी तरह जब हम रेस्पायरेशन की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर भी हम कहेंगे कि इसके अंदर जो रेस्पायरेशन है वो कम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रा. वो किस तरह से कम्प्लेक्स है उसे हम अभी देखते हैं. पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं. तो कुछ इस किस्म का इसका स्ट्रक्चर है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अर्थवॉर्म बना हुआ है और इसके अंदर यहाँ पे जो है ये लेबल हुए हुए हैं इसके अंदर के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. तो अर्थवॉर्म के अंदर जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इसके अंदर भी कोई ख़ास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है.
इसको हम साथ यहाँ पे लिखते भी जाते हैं ताकि हमें याद रहे. हमने कहा कि नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, कोई स्पेशलाइज्ड जो है वो इसके अंदर ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है रेस्पिरेशन के लिए. जब स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है तो फिर किस तरह से रेस्पिरेशन होती है? अर्थवॉर्म के अंदर रेस्पिरेशन जो है वो हम कहते हैं स्किन के थ्रू होती है. ठीक है, स्किन जो है वो इन्वॉल्व होती है रेस्पिरेशन के अंदर. जब हमने अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर डिफ्यूजन की बात की थी तो हमने कहा था कि स्किन के अंदर भी डिफ्यूजन का प्रोसेस हो सकता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है वो स्किन के थ्रू भी पॉसिबल है. वो उस वक्त पॉसिबल होती है जब हमने कहा था कि लार्ज सर्फेस एरिया हो और स्किन के अंदर ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट हो. ठीक है, तो जब हम अर्थफॉर्म की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि अर्थफॉर्म की जो स्किन है उसके अंदर ढेर सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं. ठीक है, तो हम कहते हैं कि स्किन जो है इट इज़ सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज. स्किन के अंदर ब्लड कैपिलरीज हैं और सिंपली डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू इसके अंदर रेस्पिरेशन हो जाती है. अब एक और प्रॉपर्टी, जब हमने देखा था रेस्पिरेटरी सर्फेसिस को तो हमने एक और प्रॉपर्टी डिस्कस की थी और हमने कहा था कि जो स्किन है या कोई भी रेस्पिरेटरी सर्फेस है उसको मॉइस्ट होना चाहिए. ठीक है, तो अर्थफॉर्म की अगर आप स्किन को देखें, जब भी आप अर्थफॉर्म को देखें, चाहे वो आप सॉयल पर देखें, कहीं पर भी देखें, तो अर्थफॉर्म आपको थोड़ा शाइनी शाइनी नज़र आएगा. ठीक है, वो जो शाइनी सी एक इसके बाहर लेयर नज़र आती है वो क्या होती है? वो एक मॉइस्ट सर्फेस होती है अर्थफॉर्म के बाहर, जिसकी वजह से इसके अंदर रेस्पिरेशन पॉसिबल होती है. ठीक है, और वो मॉइस्चर या मॉइस्ट सरफेस इसके ऊपर आती कहाँ से है? बेसिकली इसके इसकी जो स्किन होती है, तो हम इसके बाहर हम एक कुछ खास किस्म के ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं एपिडर्मल म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स. ठीक है, ये कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं इसकी स्किन के ऊपर जो कि म्यूकस को सिक्रेट करती है. म्यूकस क्या है? एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से इसकी जो स्किन है वो मॉइस्ट रहती है. इसके अलावा एक और हम फ्लूइड की बात करते हैं, हम इसके कहते हैं इसके अंदर सिलोमिक फ्लूइड्स भी प्रेजेंट हैं अर्थफॉर्म की स्किन के ऊपर. तो ये दो तरह के जो फ्लूइड्स हैं इनकी वजह से जो अर्थफॉर्म की स्किन है ये मॉइस्ट रहती है और एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है वो ईजिली हो सकती हैं. ओवरऑल अगर हम इसके प्रोसेस को देखें तो होता ये है कि ऑक्सीजन गैस जो है O2 गैस वो पास होती है क्यूटिकल से और क्यूटिकल से पास होके वो आ जाती है एपिडर्मल सेल के अंदर और एपिडर्मल सेल से फिर वो ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है. ठीक है, और ब्लड के अंदर होता क्या है कि ब्लड के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन. ऑक्सीजन गैस फिर क्या करती है कि वो उस हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करती है और हमारे पास एक नया कंपाउंड बनता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीहीमोग्लोबिन. अच्छा, अब ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन क्या करता है कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो है वो टिश्यू लेवल के ऊपर जाता है और टिश्यू लेवल के अंदर क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. ठीक है, अब ये जो कॉकरोच की सॉरी जब अर्थवॉर्म की हम बात करते हैं तो अर्थवॉर्म के अंदर ये जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन है ये ब्लड जो है वो डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद टिश्यूज नहीं होता. तो ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू फ्लूइड्स और सिलोमिक फ्लूइड्स जो है उसके अंदर से होती हुई टिश्यूज़ तक पहुंचती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी तरह उन टिश्यूज़ से होती हुई ये सिलोमिक फ्लूइड्स या टिश्यू फ्लूइड्स से होती हुई वापस जो हमारे पास हीमोग्लोबिन है उसके साथ कंबाइन हो जाते हैं. तो हमारे पास क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो कंबाइन हो जाती है तो क्या बनता है हमारे पास? डीऑक्सीहीमोग्लोबिन बनता है. वो जो डीऑक्सीहीमोग्लोबिन होता है वो अल्टीमेटली जिस तरह से ये पूरा इसका पाथ था यानी कि ब्लड एपिडर्मल सेल क्यूटिकल और फिर उसके बाद बाहर की जो एयर है वहाँ तक पहुँच जाती है. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा साइकिल है. इसको हम बेसिकली 4 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट स्टेप में हम कहते हैं क्या हुआ कि ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ हुई ठीक है आउटर सेल से स्किन की सेल से जो है वो कैपिलरीज के अंदर या ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ होगी. सेकंड स्टेप में क्या हुआ कि ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन हुई विद हीमोग्लोबिन ठीक है हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हुई और फिर तमाम ब्लड सेल्स तक पहुंच गई विद इट्स सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू
तमाम सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंच गई। थर्ड स्टेप जो है उसके अंदर क्या होता है कि पूरे बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी हमारे पास, CO2 गैस, वो डिफ्यूज़ हो जाएगी ब्लड के अंदर। ठीक है, और फोर्थ और लास्ट स्टेप जो है वो क्या होता है, वो ये होता है कि कैपिलरी, जो स्किन के अंदर कैपिलरीज प्रेजेंट हैं, उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसके बॉडी से बाहर की तरफ डिफ्यूज होगी। ठीक है, तो इसको इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं कि CO2 डिफ्यूज आउट ऑफ, पहले वो ब्लड से डिफ्यूज आउट होगी और फिर एंड देन होल बॉडी, यानी अर्थवर्म की जो पूरी बॉडी होगी अल्टीमेटली वो उससे कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर चली जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू अर्थवर्म के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस या रेस्पिरेशन होती है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म के पर आ जाते हैं जो कि है कॉकरोच। रेस्पिरेशन इन कॉकरोच। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट की होगी कि सबसे पहले जब हमने हाइड्रा की बात की, उसके बाद फिर हमने अर्थवर्म और अब हम कॉकरोच को देख रहे हैं। हम वन बाय वन देखते जा रहे हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। हाइड्रा जो है वो एक सिंपल ऑर्गेनिज्म था, इसके अंदर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो भी बहुत सिंपल था। उसके बाद जब हमने अर्थवर्म को देखा तो थोड़ा सा हाइड्रा के निस्बत कम्प्लेक्सिटी की तरफ हम आ गए, और अब जब हम कॉकरोच को देख रहे हैं तो कॉकरोच जो है वो थोड़ा सा मज़ीद इससे कम्प्लेक्स हो जाएगा। कॉकरोच को हम इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर देखते हैं, ये इंसेक्ट्स के अंदर बेसिकली आ जाता है। इसकी सबसे पहले तो हम इसकी एक पिक्चर देख लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक कॉकरोच है, यहाँ पे आप कॉकरोच को देख सकते हैं और यहाँ पे हम कॉकरोच के एक स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। कॉकरोच के स्ट्रक्चर के अंदर जब हम देखते हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो हम देख रहे होते हैं, तो उसके अंदर हमारे लिए जो नोटेबल चीज़ें हैं वो एक तो ये हम ये देखते हैं कि कॉकरोच के अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले दो ऑर्गेनिजम्स की बात की और हमने कहा कि उनके अंदर कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है रेस्पिरेशन के लिए, कॉकरोच को जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि कॉकरोच के अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स रेस्पिरेशन के लिए प्रेजेंट है। ठीक है, और वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स के साथ हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम है जिसके थ्रू कॉकरोच के अंदर रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि स्पेशलाइज्ड सिस्टम भी इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, और वो स्पेशलाइज्ड सिस्टम क्या सिस्टम है उसको भी हम यहीं देख लेते हैं। स्पेशलाइज्ड सिस्टम की जब हमने बात की है तो वो हमारे पास बेसिकली एक नेटवर्क है, एक ब्रांचिंग सिस्टम है, ब्रांचिंग सिस्टम जिसे हम कहते हैं ट्रैकिया। ठीक है, यहाँ पे आप अगर इस डायग्राम को जहाँ देख रहे हैं इसके अंदर आप गौर करें तो आपको यहाँ पे कुछ डार्क एरियाज नज़र आएंगे जिसे मैं ऑरेंज से हाईलाइट कर रही हूँ। तो ये जो डार्क रीजन है इसे हम कहते हैं, ये है ट्रैकिया। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से ये पूरे जो इसके बॉडी के अंदर ये जो डार्क रीजन आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा का पूरा जो है इसी तरह आगे जो चलता जा रहा है, ये पूरा ट्रैकिया है। ठीक है, अब ट्रैकिया क्या चीज़ है, बेसिकली ये आपको कुछ ट्यूब्यूल्स नज़र आ रहे हैं, ट्यूब्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, या डक्ट्स कह सकते हैं आप इनको, नालियाँ कह सकते हैं। ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस या ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है कॉकरोच के अंदर। ये जो ट्रैकिया है इसके अंदर, आप देख सकते हैं कि एयर ट्यूब्यूल्स हैं, यानी कि आप यहाँ पे नालियाँ देख सकते हैं ऐसी जिसके अंदर से हवा गुजर सकती है, और एयर ट्यूब्यूल जो हैं वो अल्टीमेटली यहाँ पे अपर्चर्स बनाते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते जा रहे हैं जो कि इसके पूरे बॉडी में थ्रू आउट जो है वो कॉन्टिन्यू होते जा रहे हैं। तो ये जो अपर्चर्स यहाँ पे बन रहे हैं या डक्ट्स बन रही हैं या एयर ट्यूब्यूल्स हैं, इनको हम कहते हैं, ये हैं स्पायरिकल्स। ये जो स्पायरिकल्स हैं ये इसके लेटरल साइड पे आप देख सकते हैं बॉडी के, यहाँ पे और यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट है थ्रू आउट पूरे बॉडी के अंदर। ठीक है, अब स्पायरिकल्स कितने हैं, बेसिकली ये हम कहते हैं 10 pairs ऑफ स्पायरिकल्स प्रेजेंट होते हैं, 10 pairs। और 10 pairs किस तरह से हैं, दो जो हैं वो इसके यहाँ पे, दो जो हैं वो थॉरेक्स रीजन में प्रेजेंट हैं, और उसके बाद जो बाकी के 8 हैं वो 8 pairs जो हैं
वो यहाँ पे इसके एब्डोमेन रीजन में प्रेजेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे 2 पेयर्स आ गए और यहाँ पे 8 पेयर्स जो हैं वो स्पाइरिकल्स के प्रेजेंट है इसकी पूरे बॉडी के ऊपर. और इनका काम क्या है? बेसिकली इनका काम ये होता है कि स्पाइरिकल्स जो हैं वो डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद इट्स आउटर लेयर होते हैं, यानी कि इसकी जो बाहर की लेयर है अर्थवॉर्म की, सॉरी कॉकरोच की, तो कॉकरोच के बाहर की लेयर के की तरफ जो है ये अपर्चर्स आप देख सकते हैं कि जा रहे हैं, और बाहर की लेयर से ही इसके अंदर रेस्पिरेशन या एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो प्रोसेस है वो पूरा होता है. वो किस तरह से होता है? वो इस तरह से होता है कि जैसे हमने बात की ट्रैकिया की, तो ट्रैकिया जो है वो डिवाइड और रीडिवाइड होता है और अल्टीमेटली हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं ट्रैकियोल्स. ठीक है, ट्रैकियोल्स जो है वो ट्रैकिया का ही पार्ट है. बेसिकली वो छोटे छोटी नालियां हैं या छोटी छोटी डक्ट्स हैं. ठीक है, अब ये जो ट्रैकियोल्स हैं इनकी थिन वॉल ट्यूब्यूल्स होती हैं, यानी छोटी या पतली नालियां मजीद बनती हैं जिनको हम कहते हैं ब्लाइंड डक्ट्स. ठीक है, ये जो ब्लाइंड डक्ट्स हैं इनके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और ये जो फ्लूइड है बेसिकली ये वो फ्लूइड है जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ होती है. ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो इस फ्लूइड के अंदर डिफ्यूज़ होगी. और ये जो ब्लाइंड डक्ट है ये होती कहाँ पे है? बेसिकली ट्रैकियोल्स, जब ट्रैकिया हमने बात की तो ट्रैकिया, ये जो ऑरेंज रीजन आपको नज़र आया ये ट्रैकिया है, इसके बाद ट्रैकियोल्स, जो ब्लाइंड डक्ट्स हैं वो यहाँ पे इसके बाहर की रीजन में यहाँ पे ब्लाइंड डक्ट्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं. और जो अब गैस इसके अंदर, जो गैसेस इसके अंदर एंटर हो जाती हैं उनकी इसकी पूरे बॉडी के अंदर मूवमेंट जो है वो दो प्रोसेसेस होती है जिसे हम कहते हैं, एक को हम कहते हैं इंस्पिरेशन और दूसरे को हम कहते हैं एक्सपिरेशन. तो ये दो प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू इस पूरे बॉडी के अंदर, इस कॉकरोच के पूरे बॉडी के अंदर जो है वो गैसेस मूव करती हैं. अब ये प्रोसेस क्या है? जिस तरह से हमने अपने अर्थवॉर्म के अंदर इसको 4 स्टेप्स में डिवाइड किया था, इस तरह से हम कॉकरोच के अंदर भी इसके रेस्पिरेशन को डिफरेंट स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. और वो क्या स्टेप्स होंगे? सबसे पहले तो हम कहते हैं नंबर 1 कि कॉकरोच का जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन वो एक्सपैंड करता है. इसके एब्डोमेन के एक्सपैंड करने से क्या होगा कि जो फर्स्ट 4 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स, अगर हम ऊपर से देखें तो जो हेड रीजन या इसको हमने जो कहा था थॉरेक्स रीजन के जो 2 स्पाइरिकल्स हैं और उसके बाद के जो 2 स्पाइरिकल्स हैं ये दोनों जो हैं ये खुल जाएंगे, ये ओपन हो जाएंगे. ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये एक्सपैंड करता है और फर्स्ट 4 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स ये जो है वो खुल जाते हैं, ये ओपन हो जाते हैं. ठीक है, इनके ओपन होने से क्या होता है कि एयर जो है वो इनके अंदर एंटर हो जाती है. ठीक है, तो क्या होगा, एयर जो है वो इसके अंदर, ये जो स्पाइरिकल्स हैं इनके अंदर एंटर हो जाएगी, और एंटर होने के बाद क्या करेगी, वो ट्रैकियोल्स तक पहुँच जाएगी. ठीक है, अब क्या होगा कि जो एब्डोमेन है वो पहले एक्सपैंड हुआ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो है वो एब्डोमेन कॉन्ट्रैक्ट करेगा. ये राइटिंग बहुत ही बुरी हो रही है. अच्छा, एब्डोमेन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा. कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा कि यहाँ पे आप देखें कि अगर एक्सपैंड करता है ये वाला एरिया ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, इस तरह से हम इसे हाईलाइट करते हैं कि अगर ये इसका एब्डोमेन रीजन है और ये एब्डोमेन रीजन अगर एक्सपैंड करता है तो क्या होगा कि ये एरिया ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, और अगर एब्डोमेन रीजन कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होगा कि ये जो रीजन है ये कम हो जाएगा. ठीक है, एक्सपैंड करने से क्या होगा कि जो ऊपर के रीजन है यहाँ से ये जली डक्ट जो है वो ओपन हो जाएंगी, जबकि जब हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा कि ये वाली जो नीचे वाला रीजन है ये अपने अंदर से जो गैसेस हैं इनको एक्सपेल आउट करेंगी. ठीक है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसके अंदर की जो गैसेस हैं वो इससे बाहर निकलेंगी. को भी हम यहाँ मेंशन कर देते हैं कि जब एब्डोमेन कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो क्या होगा, इसके नेक्स्ट स्टेप में एंटीरियर स्पाइरिकल जो हैं वो बंद हो जाएंगे, और जो पोस्टीरियर हमने बात की थी जो नीचे के हमारे पास 6 पेयर्स हैं वो खुल जाएंगे. ठीक है, और वो खुलेंगे तो होगा क्या कि जो एयर है
वो बॉडी से बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइव स्टेप्स में हमने देख लिया कि ओवरऑल इसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस या रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो किस तरह से हुआ। ठीक है, इसको अगर हम सीरीज़ में लिखें, हमारे पास बेसिकली हुआ क्या, हमारे पास स्पायरिकल से एयर एंटर हुई और वो पहुंची ट्रैकिया में, ट्रैकिया से हमने कहा कि वो ट्रैकियोल्स में गई, ट्रैकियोल्स में यहाँ पे आके जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस होगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस तरह से कि बॉडी सेल्स तक जो है वो ये वाली जो गैसेस हैं स्पायरिकल्स के थ्रू जो आई थी, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन गैस थी जो कि मूव कर रही है, तो यहाँ पे आके वो सेल और टिश्यू लेवल्स तक पहुँच गई। ठीक है, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस हुआ, यहाँ बल्कि हम मेंशन भी कर देते हैं चेंज ऑफ गैसेस बेसिकली हो क्या रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो सेल्स के अंदर जा रही है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेल से बाहर आ रही है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ, उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद यहाँ पे दोबारा से ट्रैकियोल्स के अंदर अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ जाएगी और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो वापस स्पायरिकल्स, पहले ट्रैकिया और फिर उसके बाद स्पायरिकल्स में और फिर उसके बाद आउटर एयर के अंदर डिफ्यूज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है वो कॉकरोच के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैरी आउट होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉकरोच के स्ट्रक्चर को हमने देखा था, ये इसका सीधी साइड से अगर हम इसको देखें और ये अगर हम इसको उल्टी साइड से देखें तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपने देखा होगा कि हमने ब्लड का जिक्र नहीं किया। अगर आप कॉकरोच को कभी आपने मरा हुआ कॉकरोच देखा हो या फिर अगर आपने इसकी डायसेक्शन की हो तो आपने देखा होगा कॉकरोच के अंदर आपको ब्लड नज़र नहीं आता। कॉकरोच के अंदर डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर बात की थी कि डक्ट्स के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है, तो कॉकरोच के अंदर डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स होते हैं और ब्लड प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए हम कहते हैं कि ब्लड इज नॉट इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, इसको मेंशन भी कर देते हैं, ब्लड इज नॉट इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि कॉकरोच के अंदर रेस्पिरेशन किस तरह से होती है। अपने लेक्चर को समराइज़ करेंगे, आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने तीन ऑर्गेनिजम्स देखे, तीन एनिमल्स देखे जिसके अंदर हमने देखा कि रेस्पिरेशन किस तरह से होती है। हमने हाइड्रा को देखा, हमने कहा कि इसके अंदर कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है और सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो इसके अंदर रेस्पिरेशन हो जाती है। उसके बाद हमने अर्थवर्म को देखा, अर्थवर्म के अंदर भी हमने कहा कि कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है और डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पिरेशन होती है, लेकिन अर्थवर्म के अंदर जो गैसेस के ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म है वो कम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रा। उसके बाद हमने कॉकरोच को देखा और हमने कहा कि कॉकरोच के अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन प्रेजेंट है, जिसे हमने ट्रैकिया का नाम दिया, और ट्रैकिया के थ्रू या ट्रैकिया के साथ साथ हमने स्पायरिकल्स का जिक्र किया, और वो स्पायरिकल्स वो स्ट्रक्चर्स हैं जिसके थ्रू जो गैसेज हैं वो आउटर एटमॉस्फेयर से या आउटर एनवायरनमेंट से इस कॉकरोच के बॉडी के अंदर एंटर होती हैं। उसके बाद हमने इसके इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन यानी कि दो प्रोसेसेस को देख लिया, जिसके अंदर हमने इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन जिसके अंदर हमने देखा कि गैसेस जो हैं वो किस तरह से इसके बॉडी के अंदर आती हैं और इसके बॉडी से बाहर जाती हैं। तो ये हमने देख लिया कॉकरोच के अंदर रेस्पिरेशन को। अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसी तरह से मज़ीद और एनिमल्स को देखेंगे और हम देखेंगे कि उनके अंदर रेस्पिरेशन किस तरह से होती है।